आप काम काम कर करके थकी, मैं आपके लिए फूल लाया हूँ, ये ले काम छोड़े फूल ले लें। अच्छा चले थैंक यू, शुक्रिया तो कह दे मुझे। थैंक यू कह तो रही हूँ, उनके ना का कहो। कोई एक बहुत ही मजेदार चीज दिखाता हूँ, ये चेक करें, ये मेरी अम्मी ने मेरे लिए रखे हुए हैं लकड़ी की चपेड़। ये मारने के लिए लकड़ी की चपेड़ ऐसे ही है ना है? के कोई और चीज है ये? नहीं नहीं, ये सैलिट वाला चमचा है। नहीं तो पकड़ना कैसे ऐसे ऐसे? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम हो गया आपका नदर ब्लॉग के अंदर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। तो भाई जान सीन कुछ ऐसे हैं, आज हमारे घर में बहुत बड़ी पार्टी है, तो आपका भाई नाश्ता वगैरह करके फ्री हो चुका है। अभी मैं आलू ही छीन रहा था, ये देख सकते हैं आप लोग, आलू चार मैंने छीनी है। अभी मैं आलू ही छीन रहा था तो मुझे याद आ गया कि यार आप लोग भी तो मेरे साथ ही होते, तो आप लोगों को भी तो दिखाना चाहिए। ये चेक कर रहा हूँ मम्मी, एक मिनट ठक ठक छोड़ दें, क्या हो गया है? जल्दी काम करना है ना, फिर गैस चली जाएगी। तो आज हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी काम करना है, क्योंकि जो गैस है वो जा चुकी है। आज के ब्लॉग में मैं और बस अम्मी होंगे, और खाने पकाने और सब कुछ होगा। ये चेक कर सकते हैं, कोरमे का जो मसाला रेडी हो चुका है यहाँ पे, ये चेक कर, रोस्ट को जो मसाला लग चुका है। ये आलू थोड़े से छीलने हैं, आलू छील के फिर काट के रोस्ट के अंदर डालने हैं, और आपका भाई आप लोगों को ये करके दिखाता है और फिर आप लोगों से मिलता है। तो ये चेक कर सकते हैं, आलू शालू जो है छील के काट के आपके भाई ने डाल दिए हैं, मसाले मसूले भी डाल दिए हैं। तो चेक करें आप, इनको करते हैं मिक्स। ये देखें आपके भाई का हाथ कितना साफ सुथरा है भाई, हाइजेनिक का ख्याल रखो। हाय हाय हाय, ये तो बड़ा ठंडा है। ओह किधर जा रहे हो अम्मी, पकड़ के रखें। अम्मी ये ले, आप काम काम कर करके थकी, मैं आपके लिए फूल लाया हूँ, ये ले काम छोड़े फूल ले लें। अच्छा चले थैंक यू, शुक्रिया तो कह दे मुझे। थैंक यू कह तो रही हूँ, उनके ना का कहो। तो यार मसाला मसूला आपके भाई ने लगा दिया, आशा धो लिए, चेक करें कितना लेवल का मसाला लगाया। तो ये जो ढकना आप इसके ऊपर दे देते हैं, इसको 2-3 घंटे के लिए रख देते हैं, फिर इसको बनाएंगे, और ये भी कमाल का बनेगा यार, कमाल का। और दूसरी साइड पर ये चेक करें, कोरमे का मसाला जो रेडी हो गया है, कोरमा मसाला जो है ये बस डालने वाला है। गोश जो हमने कल ही बॉयल कर लिया था, ये चेक करें, मतलब अभी ठंडा फ्रीज हुआ होगा। तो कोरमा बनाते हैं, फिर वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। अगर आप लोगों ने खाना है तो आप भाई के पास बिना झिझक आ सकते हैं। ये चेक कर सकते हैं, गोश्त वगैरह हमने डाल दिए, कोरमा जो हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। इसके ऊपर देते हैं ढकना। इधर अम्मी जान ने जो है ग्रीन चटनी भी बना ली है, और मैं आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ, ये चेक करें, ये मेरी अम्मी ने मेरे लिए रखे हुए हैं लकड़ी की चपेड़। ये मारने के लिए लकड़ी की चपेड़ ऐसे ही है ना है? के कोई और चीज है ये? नहीं नहीं, ये सैलिट वाला चमचा है। नहीं तो पकड़ना कैसे ऐसे ऐसे? हाँ जी, आज तो फुल तैयारी हो रही है, आ कौन रहा है? हमारे ससुराल वाले। ये सबसे बड़ा झूठ अम्मी ने बोल दिया, अम्मी के कोई अपने रिश्तेदार आ रहे हैं ठीक है गांव वगैरह से, तो ये लकड़ी की चपेड़ जो है ये भी निकाल दी। हालांकि उनको पता पता कुछ नहीं कि इससे क्या करना है क्या नहीं, ये तो अब तभी पता चलेगा ना जब वो लोग आएंगे और देखेंगे। आए हाय हाय हाय, यहाँ पे ये चेक करें, शानदार कोरमा जो हमारा वो रेडी हो चुका है। कलर देखें इसका कितना प्यारा है, लाइचियाँ ऊपर ऊपर भून रही हैं। तो सीन कुछ ऐसा है, कोरमा हमारा रेडी हो गया, और दूसरी साइड पे ये चेक कर सकते हैं, रोस्ट जो आपके भाई ने चढ़ा दी है, ये चेक करें। दो दो चूल्हे इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि गैस बहुत कम है। देखें ये खाना हम लोग बना रहे हैं दोपहर के लिए, आलू चिकन या कुछ भी ऐसा वैसा बना लेंगे। ये एक अंकल आ रहे हैं, उनकी ज़रा थोड़ी सी तबीयत डाउन है, ये उनके लिए बना रहे हैं, और चावल शावर और भी काफ़ी चीज़ें बनाएंगे, फिर जैसे जैसे बनाते जाएंगे आप लोगों को दिखाते जाएंगे। तो यार यहाँ पे पोटैटो सैलेड जो हमारी वो रेडी होगी, तो इसको अब डालते हैं इस डोंगे में डाल के, फिर पूरी तैयार करके और इसको फिर रखते हैं। तो यार पोटैटो सैलेड जो आपके भाई ने डोंगे में डाल दी है, अब इसके ऊपर चढ़ाते हैं प्लास्टिक शीट और फिर रखते हैं इसको फ्रिज में। तो प्लास्टिक शीट आपके भाई ने चढ़ा दी है, अब रखते हैं इसको फ्रिज में। ओए होए, फ्रिज तो पहले ही भरा पड़ा है भाई, पहले ही भरा पड़ा है। तो यार सैलेड जो आपके भाई ने फ्रिज में रख दी है, रोस्ट में चमचा चमचा भी चला दिया, ये चेक कर सकते हैं आप कितना प्यारा कलर आ रहा है। आए हाय हाय, कमाल का कलर है भाई, कमाल का।
तो भाई जान जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार था वो हो चुका है, ये चेक करें। रोस्ट जो है ये बन चुका है, दूसरी साइड पे हम लोगों ने ये चेक करें मटर वाले चावल बनाने हैं, तो इसका मसाला मसूला बना दिया है। रात को हम लोग फिर इसमें मतलब के पानी शानी डाल के चावल शावल उबाल के वो भी डाल देंगे। और तीसरी साइड पे ये चेक करें मिक्स सब्ज़ी जो हमने वो भी काट ली। कोई बंदा सब्ज़ी भी तो खा ही लेता है ना यार, गाँव के लोग आपको पता है चिकन चिकन और गोश्त गोश्त ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब के नहीं करते हैं। तो ये चेक करें रोस्ट वोस्ट जो है ये बन गया, इसको भी बस उतार के रखते हैं और थोड़ी देर चलते हैं अपने कमरे में चल के यार रेस्ट मारते हैं। तो यार सीन कुछ ऐसे हैं, आपके भाई ने कपड़े शपड़े चेंज कर लिए, रेस्ट वगैरह भी कर लिए, खाना शाना जो हमारा सारा बन गया है ये चेक कर सकते हैं। नूरी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ गया कहाँ गया, ये चेक कर सकते हैं यार, ये टायर जो है ना ये फटा हुआ, तो ये बार 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 पंचर हो जाती है। जब भी मैंने कहीं दूर जाना होता है, इस पे वज़न पड़ता है या दबता है ना, तो ये पंचर हो जाती है, तीन चार पंचर कर देती है। तो आपके भाई ने सोचा कि मेरे पास अभी फ्री टाइम है जो कि काफ़ी ज़्यादा, तो चलते हैं इसका जो टायर है ना उसको चेंज करवाते हैं और फिर आते हैं, तब तक मेहमान वगैरह भी आ जाएंगे, फिर खाने की जो बाकी तैयारी शारी है वो कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा अकेले क्या करना, जाके एक दोस्त है उसके पास चलते हैं, उसको पकड़ते हैं और फिर इसका टायर बदलवाते हैं। तो टायर शायर आपके भाई ने डलवा लिए, ये चेक कर सकते हैं कितना स्मैक्सी लग रहा है। और रास्ते से चिपस चुपस भी ले लिए हैं क्योंकि बच्चे सच्चे घर आए हुए हैं, तो आपको पता था जैसे कि बच्चों ने आना था, तो ये चिपस चुपस उनको देते हैं और फिर क्या नाम है तैयारी शारी करते हैं। आप लोगों को पता आज काम बहुत ज़्यादा है हम लोगों को। तो भाई जान सीन कुछ ऐसे हैं, मेहमान शेहमान जो है वो आ गए, जैसा कि आप जानते हैं मैं उनके बच्चों के लिए चिप्स भी लाया था, वो लोग साथ ही ड्राइंग रूम में बैठे हैं। और आपका भाई ये चेक करें खाना शाना लग चुका है, ये चेक करें पूरी तैयारी शारी हो गई, लाइटें शाइटें जला दी, हीटर वूटर जला दिया। तो क्या नाम है अम्मी जो उनके पास बैठी हैं और खाना जो है वो गर्म हो रहा है। तो आपका भाई यहाँ सिर्फ आप लोगों के लिए आया है, तो जैसे ही खाना गर्म हो जाता फिर यहाँ पर रखते हैं और उनके लिए बुलाते हैं। आप कह रहे होंगे आपके भाई ने कपड़े शपड़े नहीं बदले, और यार छोड़ो पर ऐसे ही ठीक है, कपड़े शपड़े बदल के क्या करने हैं। ये लाइट चेक करें कितनी प्यारी लगवाई हुई है, ये चेक करें टेबल शेबल लगा दिए भाई, फुल प्रोटोकॉल देंगे, फुल प्रोटोकॉल। आप बताएं ना देख के कैसा लगा हुआ टेबल, ये चेक करें बोतलें छोतरे भी एहतियात तौर पर रख दिए। तो अब चलते हैं, चल के उनके पास थोड़े सा देर बैठते हैं और गपशप मारते हैं। मैं खाना छाना खा लिया, आधे मेहमान जो है वो चले गए, आधे मेहमान जो है वो यहीं रुक गए हैं। तो एक दो बंदे उनको ज़रा आपका भाई यहाँ स्टॉप तक छोड़ने जा रहा है, तो फिर उनको छोड़ के यार आप लोगों से मिलते हैं। रेडी शेडी आपका भाई हो गया, कपड़े तो वही पहने हैं, रेडी शेडी क्या होना है यार हम लोगों ने, हम लोग सादे सीधे सादे से बंदे हैं शरीफ तरीन से। तो चलते हैं उनको छोड़ के और फिर आप लोगों से मिलते हैं, क्या पता वहाँ से हम थोड़ी देर ताहिर के घर चले जाएँ, उससे थोड़ी सी गपशप लगा के फिर हम लोग घर आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता सुबह से लगे हैं, थक चुके हैं, थक हार के टूट चुके हैं, और उससे गपशप लगाएंगे और रिफ्रेशमेंट आ जाएगी, फ्रेश हो जाएंगे। तो आपको शक्ल से भी पता चल रहा होगा कि आपका भाई जो है थका हुआ है, तो बगैर देर के निकलते हैं। वो लोग बाहर ही मेरा वेट कर रहे हैं, तो उनको पकड़ते हैं और फिर चलते हैं। आए 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 आए, तो आपका भाई मेहमानों को छोड़ के ताहिर से मिल मुल के यार, फिर मेरा दिल नहीं किया, आपका भाई तक बहुत ज़्यादा गया, तो घर पहुंच चुका है। तो बाकी सारे जो हैं वो सो रहे हैं, आपका भाई रूम में आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, उम्मीद करते हैं कि आप भाई इस चैनल हमारे को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।